टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर जो घाटी से आ रही है लगातार, जो कि आतंकियों के ऊपर कहीं ना कहीं शिकंजा कस रही है हमारी सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस। अभी की जो बड़ी खबर आ रही है वो घाटी से आ रही है, और बताना चाहेंगे खबर क्या है वो भी। लगातार जब से डीजीपी आरआर स्वैन ने एज ए डीजीपी जम्मू कश्मीर का कार्यभार संभाला है, अब आतंकियों की खैर नहीं, आतंकियों की नहीं बल्कि उनके समर्थकों की भी अब खैर नहीं। बताना चाहेंगे पुलिसकर्मी पर हमले में तीन शामिल आतंकवादी श्रीनगर से गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के डीजीपी आरआर स्वैन ने किया बड़ा खुलासा। बताना चाहेंगे कि दिसंबर यानी 17 दिसंबर श्रीनगर में एक पुलिसकर्मी पर हमले में शामिल आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया। डीजीपी आरआर स्वैन ने रविवार को यह खुलासा किया। पीसीआर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्रीनगर के डीजीपी यानी कि जम्मू कश्मीर के डीजीपी आरआर स्वैन ने कहा कि 9 दिसंबर 2023 को लगभग 7:10 पर पुलिस स्टेशन बेमिना को इस घटना की सूचना मिली कि हमदानी कॉलोनी बेमिना मिठाई बांध में अज्ञात आतंकवादियों ने अपने अवैध हथियारों के साथ एक व्यक्ति पर गोलाबारी की है। अर्थात पुलिस कर्मी मोहम्मद हवीज चक यानी SGCT पुत्र जी हसन चक निवासी लोंथा करना AP एट प्रेजेंट हमदानी कॉलोनी बेमिना यानी जो वर्तमान में पुलिस पोस्ट बाना मोहल्ला फतेह कदल में तैनात है, जिसके कारण यानी जिन्हें वो घायल हुए हैं। बताना चाहेंगे घायल पुलिसकर्मी को इलाज के लिए JVC अस्पताल और बाद में 92 बेस अस्पताल बादामी बाग में आर्मी अस्पताल में स्थानांतरित यानी कि उन्हें शिफ्ट किया गया। ये साफ तौर पर DGP आर आर सवैन ने जानकारी दी। तदनुसार मामला FIR नंबर 112/2023 अंडर सेक्शन 307 IPC 7/27 एक्ट 16/18/38 AP Act 120B IPC PS बेमिना में दर्ज किया गया था। जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्यों द्वारा समर्थित इनपुट के आधार पर कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया और उनसे लगातार पूछताछ भी करने पर उन्होंने उक्त हमले में अपनी संलिप्तता यानी कि अपनी उसमें भागीदारी कबूल कर ली है। आरआर स्वैन ने इस बात का खुलासा किया। तदनुसार आरोपी इम्तियाज अहमद खांडे पुत्र तारिक अहमद खांडे निवासी हमदानी कॉलोनी सेक्टर ए, दानिश अहमद माला पुत्र मोहम्मद मल्ला निवासी हमदानी कॉलोनी सेक्टर ए और मेहनान खान उर्फ मेहरान पुत्र महराज दीन खान है। तत्कालीन मामले में यानी कि खाजापुरा सोदापुरा रैनावारी श्रीनगर निवासी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके विशिष्ट खुलासे पर अपराध के हथियार और भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। बताना चाहेंगे बरामदी में इस्तेमाल यानी कि इम्तियाज अहमद खांडे तुर्की निर्मित एक कैनिक TP09 पिस्तल एक मैगजीन एक राउंड 9 mm अपराध का हथियार और मेहनान खान तुर्की निर्मित एक कैनिक TP09 पिस्तौल एक मैगजीन 7 राउंड गोलियां 9 mm और यानी कि दानिश मल्ला शामिल हैं। स्तुंजा कुल राउंड 9 mm और 2 मैगजीन। बताना चाहेंगे उन्होंने आगे खुलासा किया कि वे पाक आपराधिक हैंडलर हमजा बुरहान के संपर्क में थे, जिन्होंने इन तीन आरोपियों के साथ मिलकर श्रीनगर शहर में एक पुलिस कर्मी को निशाना बनाने की साजिश रची। बताना चाहेंगे जिसके आगे दानिश ने इम्तियाज के साथ एक लक्ष्य यानी कि एक लक्ष्य की पहचान की और अपनी योजना को अंजाम दिया। 9 तारीख दिसंबर 2023 को इस हमले के लिए अन्य हथियारों और गोला बारूद की अवैध रूप से तस्करी की गई। उन्होंने बताया कि कुल बरामदी में 2 पिस्तौल 65 पिस्तौल लाइव राउंड और 4 पिस्तौल मैगजीन शामिल है। ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं कहेंगे कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो कि एक पुलिस कर्मी पर हमला करने के लिए हमले करने वाले तीन आरोपियों को यानी कि गिरफ्तार किया। लगातार अब आतंकवादियों पर आतंकवादी समर्थकों पर लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों का ताबड़तोड़ हल्ला बोल है, क्योंकि साफ तौर पर कहा है जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। कोई भी इस चीज़ को अगर यानी सहानुभूति उन लोगों के साथ रखता है या उनका साथ देता है या उन्हें शील्ड करता है, अब उन पर भी लगातार कार्रवाई की जाएगी। और लगातार DGP जम्मू आरआर स्वैन ने जब से कार्यभार संभाला है एक ऐसी टीम आई है IG जो आनंद जैन है और साथ ही से
एसएसपी जो अलग तर जो शिवरिंग हुई है उसके चलते एक अच्छी टीम का गठन हुआ है। डीजीपी और आईजीपी इन लोगों ने ताबड़तोड़ अब यानी कि हल्ला बोला है आतंकवादियों पर और साफ तौर पर कहा है जो भी इस यानी इन देश विरोधी गतिविधियां या आतंकी गतिविधियों में शामिल होंगे या उनके साथ कोई इसी तरह का भी राबता करेंगे या उनके साथ संलिप्त पाए जाएंगे या उनको शील्ड करेंगे उन्हें भी अब बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि लगातार अब कायर आतंकी पीठ पीछे वार करते हैं जिसमें ना जाने हमारे कितने वीर योद्धाओं को वीर गति को प्राप्त हुए क्योंकि पीठ पीछे वार करना इनकी फितरत है, बेगुनाहों का खून बहाना इनका लक्ष्य है। तो लगातार अब जम्मू कश्मीर पुलिस ताबड़तोड़ हल्ला बोले है इन लोगों पर। इसी के संदर्भ में एक पुलिसकर्मी पर जो उन्होंने हमला किया था उसी के चलते तीन लोगों को यानी कि हिरासत में लिया और उसके साथ साथ काफी तादाद में इनसे यानी गोला बारूद भी यानी बरामद किया गया है। फिलहाल ये जरूर कहेंगे वेल्डन जम्मू कश्मीर पुलिस, वेल्डन डीजीपी जम्मू आर स्वयं, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं जब से इन्होंने कार्यभार संभाला अब आतंकियों की खैर नहीं, वही नहीं बल्कि उनके समर्थकों की भी अब खैर नहीं, चुन चुन कर इन लोगों को इनके असली मुकाम तक पहुंचा रहे हैं हमारे सुरक्षा बल और हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस। क्योंकि आला अधिकारियों की अब पैनी नजर रहेगी कि कौन इन आतंक इस तरह की देश विरोधी या आतंकी गतिविधियों में शामिल है या उनका कौन से लोग हैं जो उन्हें समर्थन करते हैं, क्योंकि ये लोग देश के तो दुश्मन हैं पर देशवासियों के भी दुश्मन हैं। इनका एक ही लक्ष्य है कि बेगुनाहों का खून बहाना, चाहे वो कोई वर्दी में हो, चाहे वो वर्दी के बिना हो, चाहे एक मजलूम हो, एक गरीब मजदूर हो, क्योंकि इन लोगों की आदत है पीठ पीछे वार करना। क्योंकि सामने तो ये मुकाबला नहीं कर पाते, ना ही हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस का और ना ही हमारे सुरक्षा बलों का। फिलहाल अभी तक की बड़ी खबर बताना चाहेंगे कि पुलिस कर्मी पर हमले में शामिल तीन आतंकवादी श्रीनगर से गिरफ्तार, डीजीपी जम्मू कश्मीर आर स्वैन का बड़ा फैसला। ये जरूर कहेंगे वेल्डन जम्मू कश्मीर पुलिस। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, अपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे से अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।